Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel. उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे भाइयों। ईद डे टू, आज ईद उल अज़हा 2024 का सेकेंड डे है। तमाम व्यूअर्स को अगेन ईद उल अज़हा मुबारक हो भाइयों। आज सुबह सुबह क्या मौसम हो गया इस्लामाबाद में यार, ये चेक करें ना, ऊपर अभी भी बादल हैं लेकिन बड़ा आला मौसम, मतलब सुबह सुबह अल्लाह ताला ने जो है वो बारिश बरसाई है, सब कुछ धुल गया, सब कुछ साफ हो गया है, मौसम अच्छा है, धूप निकल आई है लेकिन बादल भी हैं, हवा अच्छी चल रही है, बट ओवरऑल कल से मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है। तो भाई वो कल जैसे आप लोगों ने देखा, भाई ने टका के मटन चटनी ज़रा मंडा और थोड़ी सी सुस्ती भी हुई क्योंकि थकावट बहुत थी, सुबह के उठे हुए थे, उसके बाद जो है वो शाम में भाई आपका लेट आउट रुक हो गया। तो भाई वो आज का सीन ऐसे है कि सबसे पहले तो छुट्टी होती है तो फ़ायदा उठाना चाहिए कि रोज़ कब्रिस्तान जाना चाहिए, तो सबसे पहले तो आपका भाई निकल पड़ा है और इस वक्त जा रहा है जी कब्रिस्तान, और उसके बाद जो है ना वो कुछ आज के मल्टीपल सीन्स हैं, कुछ रिलेटिव्स के घर भी में भी जाना है, कुछ मेहमानों ने आना भी है, कुछ खाने पीने का सीन फ़िलहाल कन्फर्म नहीं है। असल में होता यही है कि मटन 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 या गोश्त है कहने को लगता है कि हम ये खा लेंगे, हम वो खा लेंगे, वैसे कर लेंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं। बारबेक्यू का सीन होना चाहिए लेकिन कल गर्मी इतनी ज़्यादा थी तो जब हम लोग मीट का वो क्लीन कर रहे थे, बाकी चीज़ें कर रहे थे, तो उस टाइम तो बारबेक्यू की ऑप्शन जेन में रखी ही नहीं ना, क्योंकि कहा था भाई इतनी गर्मी में बारबेक्यू कैसे किया जाएगा, लेकिन मौसम अच्छा हो गया तो शायद हो सकता है कि उसका प्लान भी जो है एग्जीक्यूट हो जाए। आज मैं देख रहा हूँ कि सेकेंड डे के दिन भी जो है वो लोग कुछ कुर्बानी कर रहे हैं और कुछ जानवर लेकर आ रहे हैं, तो अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी कबूल करे। तो भाइयों भी चलते हैं कब्रिस्तान, नाश्ता नुश्ता आपके भाई ने कर लिया, सुबह सुबह उठ गया था और नाश्ता नुश्ता करके अभी सुबह जो है रास्ते में, रोड्स भी जो है ना वो बिल्कुल क्लियर है। देखिए ईद के दिन जो है ना गाड़ी चलाने का इस्लामाबाद में कितना मज़ा आता है, क्यों, वैसे तो रोड वैसे ही यहाँ के अच्छे हैं लेकिन उसके अलावा जो है बिल्कुल रश नहीं होता, पार्ट ऑफ दिस पिछले कुछ दो तीन सालों से इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा रश हो गया था लेकिन आज जो है ना वो बिल्कुल रोड्स क्लियर है, तो आज पटोपट जाने का मज़ा आएगा। तो चलते हैं भाइयों, स्टे विद अस, अभी चलते हैं और आज का शोल जो आपके साथ शेयर करते हैं। कब्रिस्तान से फ्री होकर आपका भाई यहाँ से भी निकल रहा है और जो है ईद के दूसरे दिन भी लोग हैं, अच्छी बात है, अब तो प्यारों के पास आना चाहिए, तो अभी यहाँ से निकलते हैं और सीधा जाते हैं घर और जाके देखते हैं कि भाई क्या शोल मिला आज के दिन का सारा। अभी भाई हो आपका वापस आया कब्रिस्तान से, चेक करें यार क्या आला किस्म का मटन कौरमा जो है ना वो तैयार हो रहा है, अभी तो भाई तीन चार दिन ज़रा मटन ही चलेगा ना, फिट किस्म का मटन कौरमा जो है वो यहाँ पे तैयार हो रहा है, चेक कर सकते हैं, योगर्ट में लिपटा हुआ आला किस्म का ये तैयार होना है, इसको खाएंगे, इसको भाई ज़रा आपको छिकेगा और उसके बाद हमने जाना है एक दो रिलेटिव के घर। तो भाई आज का जो सीन है ना वो काफ़ी लंबा है भाई, अभी आपका भाई दोबारा हो गया एकदम फुल टूस करके रेडी और ये से ज़्यादा खड़ा है यार, आज नहीं चला सके, रात में आके कोशिश करूँगा, अगर टाइम से आ गया तो उसको चलाएंगे। अभी आपका भाई बिल्कुल तैयार हो गया जाने के लिए पिंडी पुराने एयरपोर्ट के पास, तो कोशिश करूँगा कि आपको साथ दिखाऊँ लेकिन मुश्किल हो जाएगा, आवाम ज़रा काफ़ी ज़्यादा है और मौसम आज देखें यार क्या बात है, कल परसों हम लोग मौसम को कोस रहे थे, इतनी गर्मी है, ईद पर इतनी गर्मी होगी, लेकिन आज जो है ना वो मौसम उतना ही अच्छा हो गया। तो चलिए भाइयों आज के व्लॉग में मिलते हैं ईद से, आगे बहुत सारा शुगल मिला है लेकिन वो शुगल मिला मैं कैप्चर नहीं कर सकूँगा, इसीलिए यहीं से आपसे मैं मांग रहा हूँ इजाज़त, कल मिलेंगे और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ से ज़बरदस्त सा आला सा सीन आप लोगों के लेकर आने लगें। तो स्टे विद अस, अपना ख्याल रखें, डोंट फॉरगेट टू फॉलो एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, टेक केयर, इस मौसम के साथ मिलते हैं आपको दोबारा कल इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय फ्रॉम हियर।